स्वागत है आपका DSA बॉलीवुड चैनल पर। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अपने बल विद्या विवेक और कौशल से समाज की समस्या को पहचान और उन्हें जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर। पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्शन हाउस है ली हिलियस फिल्म्स, इसके पीछे आपका क्या आइडिया था, क्या थॉट रही और ये कैसे फॉर्म में आया? सबसे पहले तो मैं अपने गेस्ट को यहाँ आने के लिए धन्यवाद, उनका स्वागत करता हूँ। गेस्ट एंड मीडिया, सारे लोग जो उपस्थित हुए हैं अपना कीमती समय निकाल कर, तो ली हिलियस फिल्म्स की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम ली हिलियस फिल्म्स, ली इज अ फ्रेंच वर्ड, it means the and it pertains to ladies also. Lee, Helios is a Greek word. Greek word में Helios सूर्य को कहा जाता है, तो उगते हुए सूर्य को हम लोग प्रणाम करते हैं और सूर्य हमारे जीवन में हर दिन प्रकाश लाता है, तो हमारे प्रोडक्शन हाउस को इसी तरह प्रकाशमय करते रहें सूर्य भगवान हमारे, और इसी आइडियोलॉजी के साथ इस प्रोडक्शन हाउस का नाम ली हिलियस फिल्म्स रखा गया है। चूँकि हमने राम राज के नाम से ये मूवी लाई, इसलिए इसका वजह खास ये था कि पहला हमने ऐसा हिंदी फीचर फिल्म बनाने का जो संकल्प लिया, तो एक उद्देश्य समाज को एक आइडियोलॉजी देने का था, एक मैसेज गिविंग का था। हम अपने समाज को कुछ बताना चाहते थे कि हमारे फिल्म लाइन में हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसा उद्देश्य से फिल्म बनाना चाहिए, लोगों तक हमें क्या पहुँचाना चाहिए, एक नया आइडियोलॉजी जो हम लोगों को पहुँचाए। ऐसे काफ़ी पहले से लोग पहुँचाते रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास था कि भगवान श्री राम, उनके विचार, उनकी मर्यादा और हमारे देश में भाईचारा का प्रतीक यानी राम राज की स्थापना हो, इस गुडविल के साथ इस पिक्चर का निर्माण हुआ है ताकि हमारे देश में राम राज कायम हो सके। क्या बात है, आपकी सोच बहुत अच्छी है सर, और जब विचार इतने अच्छे होते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमती है, तो बहुत बहुत बधाई एंड बहुत बहुत बेस्ट विशेस टू यू। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो पिक्चर है, पिक्चर बनाना एक अलग कार्य है और उस पिक्चर को बड़े पर्दे पर उतारना एक अलग कार्य है। हम सब जानते हैं कितनी पिक्चरें बनती हैं और कुछ पिक्चरें तो थिएटर में रिलीज़ भी नहीं हो पाती, और आपकी फिल्म बहुत अच्छी बनी है जितना तक कि मैंने देखा है, मैंने ट्रेलर पहले ही देख लिया आप सबसे, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसा रहा इस फिल्म को बड़े पर्दे पर उतारने का? अब आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न किया, इसमें जब बगिया पवित्र होती है ना तो पुष्प उसमें अपने आप जो है काफ़ी खुशबूदार होते हैं, तो चूँकि इसमें जो कार्य करने वाले लोग थे काफ़ी हार्ड वर्क किए जाके बोकारो में, वहाँ वैसे वेदर में ये सच था, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच सर, आगे भी बहुत अच्छा होगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड प्लीज हैव योर सीट सर। अब हम ट्रेलर देखना चाहेंगे, सबको दिखाना चाहेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट शोइंग यू द ट्रेलर, आई वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम द कास्ट ऑफ राम राज्य, मिस्टर अमनप्रीत सिंह, मिस शोभिता राणा, मिस्टर सलमान शेख, एक बार तालियां इन सबके लिए यार, मिस्टर मुख्तार देखानी, मिस्टर राजेश शर्मा, मिस्टर गोविंद नामदेव, मिस्टर विक्रम आदित्य नारायण जी जो कि बिजनेस हेड हैं, एंड ऑफ कोर्स द प्रोड्यूसर एंड राइटर ऑफ द फिल्म मिस्टर शिवानंद सिन्हा, मिस्टर उपेंद्र चतुर्वेदी। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हैव अ लुक एट द ट्रेलर ऑफ राम राज्य, एंटरटेनिंग वे, एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज द कास्ट एंड द मेंबर्स ऑफ दिस फिल्म, टू बिगिन विद मिस्टर अमनप्रीत सिंह, प्लीज जोरदार ताली से स्वागत कीजिए इन सबका, मिस्टर मुश्ताक खान, मिस शोभिता राणा, मिस्टर सलमान शेख, मिस्टर शाश्वत प्रतीक,
मिस्टर मुख्तार देखानी, मिस्टर राजेश शर्मा, मिस्टर गोविंद नामदेव, द बिजनेस हेड ऑफ दिस फिल्म मिस्टर विक्रम आदित्य नारायण, आवर प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मिस्टर शिवानंद सिन्हा, द क्रिएटिव प्रोड्यूसर मिस्टर उपेंद्र चतुर्वेदी. वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां सबके लिए. बहुत ही मेहनत लगती है एक फिल्म को बनाने में और उसको सिनेमा घरों में उतारने में, तो बहुत ही शानदार ट्रेलर है आप सबका. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यू द माइक प्लीज. तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा अमनप्रीत से, योर डेब्यू फिल्म, या हाउ यू फीलिंग एंड हाउ वाज एक्सपीरियंस ओवरऑल? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड आई गॉट सी डेब्यू. First of all, thank you everyone for coming. And shooting was a good process. बहुत मज़ा आया इस पिक्चर को शूट करते हुए हमें. हम दो महीने लगभग बुखारों में थे, दो महीने बुखारों में थे एंड बीच में एक स्केड्यूल ब्रेक मिला था जिसमें हम भाग के वापस आए थे. बहुत गंदा वेदर था, गर्मी थी, बट इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस. सर ने बहुत ख्याल रखा वहाँ पर हमारा. एंड बाकी वी मेड गुड फ्रेंड्स, सलमान, शोभिता, संदीप. Can we have Sandeep on stage, please? Sandeep? He's playing my brother in the movie and very important role. And बहुत मजा आया shoot करते हुए. And what was the next question? Sorry. About the film. मैं सर से पूछ लूँगा. Let's ask the gentleman here. Thank you. Good evening, everybody. Namaskar. आदाब. सबसे पहले तो मैं थोड़े बच्चे को ले आओ जरा. अरे हाँ, ये भी हैं. अरे कमाल गए, अब मैं क्या बोलूँ बताइए. इनके सामने क्या बोलूँ मैं. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया उनका अदा करूँगा जिनकी वजह से मैं इस फिल्म में आया. वसीम साहब, वसीम सिद्दीकी साहब, नज़मा जी, इनके थ्रू मैं ये फिल्म में आया. इन्होंने मुझे ये ऑफ़र दिया और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि नितेश जी, राणा जी, इन लोगों ने इतना अच्छा ख्याल रखा हमारा जब हम शूटिंग के लिए गए हुए थे. और ये एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था. एक तो जब मुझे ये बताया गया कि ये फिल्म है, इसका नाम राम राज्य है, तो ये बहुत ही अच्छा साउंड किया मुझे. और दूसरा मुझे जो अच्छा लगा कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और ये जो गाना आपने देखा अभी, इट्स वेरी गुड सॉन्ग. और साथ में जो कलाकार थे इसमें, राजेश शर्मा जी थे, वेरी गुड एक्टर, एंड मिस्टर मुख्तार खान फ्राम हैदराबाद, आज नहीं आए वो लगता है, तो वो भी बहुत अच्छा, वेरी गुड एक्टर. अमनप्रीत, शोभिता, सलमान एंड संदीप वगैरह जो हैं, इन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है. तो एक बहुत ही अच्छी टीम बन गई थी और बहुत अच्छे तरीके से एक फिल्म को कंप्लीट कर लेना बहुत बड़ी बात होती है. अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो मीडिया पर्सनस हैं यहाँ पर, कि इसको जितना भी आगे इसको स्प्रेड किया जाए, जितना लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि एक फिल्म बनाने में जो मुश्किलें आती हैं, हम तो बीच में बहुत सब घबरा भी गए थे. हमारा कुछ जो हमने जो एक्सपोज किया था उसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था बीच में, तो बहुत ही घबराहट भी थी हमारे कि क्या क्या होगा, क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है तो पूरी टीम में असर पड़ता है. तो एनीवे, तो माहौल बहुत अच्छा था, फिल्म की शूटिंग का माहौल बहुत अच्छा था. बहुत अच्छे तरीके से हमने ये इसकी शूटिंग की है और जिस तरह से आपने अभी ट्रेलर देखा, इतना खूबसूरत ट्रेलर बना है, तो अब ये समझ लीजिए कि फिल्म भी बहुत अच्छी होगी. और आई विश ऑल द बेस्ट टू दिस रामराज. लोग देखें और काफ़ी तारीफ करें और ये और दूसरी एक अच्छी फिल्म बनाने की के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाए. ऑल द बेस्ट राणा जी एंड नितेश जी, थैंक यू वेरी मच. तो अब हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो भी हमारे बीच मौजूद हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर नितेश राय जी टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे डायरेक्टर साहब का. और बढ़िया से सभी ने काम किया. आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन. फैंटास्टिक, थैंक यू माय फ्रेंड. आई वुड लाइक टू आस्क विक्रम आदित्य जी, आपने इतने बड़े बड़े बैनर्स के साथ काम किया है, नाउ यू आर द बिजनेस हेड ऑफ दिस प्रोडक्शन हाउस, so where do you see this down the lane? Firstly, I would like to congratulate the whole team, the producer, the director. I came very late, so I missed the fun part of Bokaro. So I am in the midst of developing the film, taking it to all the audience, to you, through you guys in the press. But foremost, when I saw the movie, which was very recently, I saw complete entertainment of 2 hours in the movie. You're going to enjoy the movie, and wherever I see this going, worldwide release,
I see forward that the best media house would interact, the best studio will interact, and the best release will interact with the movie. Yes, we do have support of the present government with the title of the movie itself, but it also reveals that what is Ram Rajya. So in a nutshell, I would like Aman to just say a few words, what is Ram Rajya? Because I saw his movie and he said, Ram Rajya kya hai? Can you just spell that dialogue, what you said in the movie? Thank you very much. Old dialogue, I don't remember. I can tell you the lines. It was last year. We completed the shoot last year, so I do not remember the whole dialogue. But what is Ram Rajya? Basically, where women are safe and there is no discrimination on the base of caste and religion. We live in a country with so many different religions, and those religions are further divided into various castes. And this movie is all about humanity. The biggest religion in this world is being a human. That is what this film is about. राम राज का अर्थ होता है संस्कृत वाला नहीं राम राज से जब देश में जहाँ पे संस्कार पैदा हो सद्भावना पैदा हो और मर्यादा का सम्मान हो और जीवन के मूल्यों का पता चले बेसिकली राम राज यही है थैंक यू सो मच जेंटलमैन देखो ये था ही नहीं डायलॉग नहीं है वो क्या था आपके जुबान से मेरे जुबान से राम राज्य क्या है माइक पे जो भी बोलना है बेस है राम राज्य क्या है गोइंग टू गो वायरल हां सर 2 मिनट याद तो करने दो लास्ट ईयर शूट की थी राम राज्य क्या है ये बहुत ही कठिन समय है जब हमारे हीरो डायलॉग भूल जाते हैं और प्रोड्यूसर को आना पड़ता है तो ये घटना पिक्चर में भी होता है शूटिंग के दरमियान भी होता है कि डायलॉग लंबे लंबे होते हैं और हर सीन पे उतना लंबा डायलॉग याद रखना भी मुश्किल है क्योंकि हिंदी भी क्लिष्ट होती है तो डायलॉग ये है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ये सबको पता है तो भगवान ने कहा है कि मैं तब तब धरती पे आऊँगा जब जब धर्म की हानि होगी भगवान तो आए और उन्होंने शिक्षा दिया चले गए आज इस धरती पे कौन आएगा आज इस धरती पे हमारे बीच के ही लोग इस कार्य को करने के लिए आगे आएंगे जो इस धरती पे यानी हमारे देश में क्योंकि हम पहले अपने देश की बात करें तो इस देश में जो हमारे व्याप्त जो भ्रष्टाचार है जो इनजस्टिस है लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है कोई लोग सूखे से मर रहे हैं तो कोई लोग बाढ़ में मर रहे हैं किन्हीं लोग को जॉब नहीं है तो ऐसे परिस्थिति में जहाँ पे सद्भावना की कमी हो रही है लोग हर जगह इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं कई जगह तो इन सारे चीज़ों को दूर करने के लिए आज हमारे बीच में से ही कुछ लोगों को महान बनना पड़ेगा उस विचार को लाना पड़ेगा और इसी विचार को जब आगे बढ़ाएंगे तो देश में राम राज आएगा बहुत ही शीघ्र हम चाह रहे हैं कि मुद्दा राम राज का है देश में राम जी के नाम पे आप तो जान ही रहे हैं प्रतिदिन प्रतिक्रियाएं आती रहती हैं तो नवंबर माह के अंदर में हमारा यह फिल्म रिलीज हो जाए ये हमारी बहुत कामना है और इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है सेंसर सर्टिफिकेट मिला और किस पोजीशन में मिला सेंसर सर्टिफिकेट अभी हमें कुछ ही दिन में मिलने वाले हैं क्योंकि हमने काफ़ी वहाँ पे पहले से अप्लाई 2 महीने से हमने सारा अप्लाई किया हुआ था तो वो हमें शीघ्र ही मिल जाएगा थैंक यू क्योंकि टाइटल राम राज्य है अक्सर जो पुराने लोग वो सोचेंगे रामायण का कोई कहानी है तो ये कोई इंग्लिश टैगलाइन इसके नीचे है yeah.
एन आइडियोलॉजी बियॉन्ड रिलीजन, एन आइडियोलॉजी बियॉन्ड रिलीजन, इसका एक टैगलाइन है। ये ओरिजिनल टाइटल आपके दिमाग में आया था या दो तीन टाइटल सोच के उसके बाद ये किया? नहीं जी, ये ओरिजिनल टाइटल है राम राज्य, और चूँकि राम राज्य के नाम से पहले भी फिल्में बनी थी तो हमें इसके आगे 2R लगाना पड़ा, यानी दूसरी बार राम राज्य देश में आना चाहिए, और इसके लिए हम लोग आज मेहनत कर रहे हैं। ये मैं देखता हूँ ज़्यादातर कास्ट, अच्छी बात है, न्यूज़ कमर्स है, आपको कैसा ये कॉन्फिडेंस लगे कि न्यू कमर्स को लेके मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊँगा? अक्सर क्या लोग स्टार्स के पीछे भागते हैं जी? ये मुझे दो बातें पता थी। पहला ये कि या तो मैं किसी अच्छे स्टार कास्ट को लेके मूवी बनाऊं, या मैं अच्छे कंटेंट को लेके मूवी बनाऊं। अगर मेरा कंटेंट अच्छा है तो दर्शक उसको ज़रूर प्रेज करेंगे, और हर स्टार एक दिन नया होता है, और वह सितारा उसका जब बुलंद होता है तो लोग देखते हैं कि अरे ये तो वो है, ये तो वो है, लेकिन एक दिन तो हर सितारे को बुलंद होना है। तो यहीं से शुरुआत क्यों ना करें, हमारी सारी टीम नई है और हम नई टीम के साथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं। यह जोखिम हमने जो ली है, तो प्रभु श्री राम ने इतना बड़ा जोखिम लेकर के वहाँ रामेश्वरम तक चले गए और लंका में जा करके उन्होंने रावण का वध किया, तो हम छोटा सा काम क्यों न करें। डायरेक्टर साहब से एक सवाल है कि चयन कैसे किया कास्ट का, आपका अकेला या प्रोड्यूसर भी मदद किया? हम और प्रोड्यूसर सर साथ में मिलके, और इन लोगों का हमारे पास कुछ ऑप्शन आया हुआ था, हमने देखे उसमें से, तो हमें अच्छा लगा पर्सनलिटी, उन लोगों का काम भी देखे, तो उसके भी पे हमने, हमारा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी था स्टोरी, स्टोरी पे हमें बहुत कॉन्फिडेंस था। आप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा मुझे रामराज क्या होता है। बेसिकली जैसे कि देश में जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो लोगों के जहन में एक ही बात आती है जो अब देश में आएगा रामराज, कभी भी जो हमने वोट दे के अपना सेलेक्ट किया हुआ है तो रामराज अब आएगा, तो रामराज क्या है, उसी चीज़ को आपको फिल्म में देखने को मिले। तो हमें कॉन्टेंट पर बहुत कॉन्फिडेंस है, इसलिए हमने जैसे कि प्रिया ने बोला स्टार को लेके करने के लिए, तो हमने सोचा कि न्यू स्टार को लेके कर। बाद आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि इसमें क्या है, पर अगर टाइटल को कर दे तो ऐसा नहीं लगता कि आप अपने ऑडियंस को थोड़ा बांट भी रहे हैं? जरूर, ये समझना पड़ेगा आज हमारे देश में क्या है कि हमारी जो सोच है वो हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उससे आता है, डेवलप होता है। तो राम या श्री राम या भगवान राम, राम एक पर्सनालिटी है और उनका एक विचार है। हम उनके विचार को, उनकी मर्यादा को, उनके जीवन के उतार चढ़ाव को नित्य अपने जीवन में देखें, हर जगह हमें भी उनका प्रतिबिंब नज़र आएगा कि हमें भी वो तकलीफ़ हुई और उनको भी वो तकलीफ़ हुई थी। तो अगर हम जोड़ेंगे इस तरीके से ना, तो उनकी विचारधारा, उनकी मर्यादा, तो हमें फिर ये भगवान नहीं नज़र आएंगे, क्योंकि वो भगवान नहीं थे, वो मनुष्य रूप में आए थे। भगवान का रूप दिखाते तो फिर इतना सारा कहानी लंबा नहीं चलता उनका। तो राम राज्य हमारे देश में पहले भी था, और हम बातें भी करते हैं हमेशा कि राम राज्य जैसा होना चाहिए। ये हमें तुलनात्मक एक किसी को तुलना करने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, तो राम राज्य से अच्छा सब्जेक्ट क्या होता। इसलिए हमें नहीं लगता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, राम राज तो सभी के लिए। Alright, thank you so much, gentlemen. Let's have a photo op and we can have a खुद को भी director. आप इधर आइए, आप पीछे आइए भाई. भाई, ये तो कि director is the captain of the ship. Yes, yes, captain of the ship. And a very special guest is here with us today, Mr. Sunil Pal, जो हमें wishes देना है sir. Please, आइए please. एक बार stage पर. आप stage से और stage आपसे दूर नहीं रह सकती. नहीं नहीं, अब सुनील आ गया तो आप कोई कुछ नहीं बोलेगा. तो पहले तो हम हमारे मेहमान जी से पूछते हैं कि कैसा लगा आपको ये trailer देखकर? सबसे पहली बात तो ये है कि वाकई जैसे मुश्ताक भाई ने कहा है, ये नाम ही अपने आप में हिट है। राज कपूर साहब ने राम तेरी गंगा मैली बनाई थी, अभी तक लोग उस जैसी फिल्म बना नहीं पाए। तो जब भी राम का नाम लेकर कोई सीरियस और कोई ऐसा मैटर जो हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के फेवर में होता है, वो हमेशा लोग उसको प्यार करते हैं, उसको हिट करते हैं। तो आई एम श्योर, मुझे भी लगता है कि ये फिल्म राम तेरी गंगा मैली की तरह ही हिट होगी, सुपर हिट होगी। तो सारे कैबिन क्रू को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और बोकारो में ये फिल्म बनी है तो बोकारो मेरा वैसे फेवरेट शहर है, मैं फिर जा रहा हूँ 19 तारीख को। तो बोकारो के लोग मुझे बहुत सारे प्रोग्राम के लिए बुलाते रहते हैं, काफ़ी सारी कमाई मेरी वहीं से होती है। वो बात अलग है कि सिर्फ शो से होती है, इस बार शूटिंग से नहीं हो पाई, वसीम भाई ने
مجھے یاد نہیں کیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر مودی جی یہاں پر ہوتے اور رام راجیہ کو شبھ کامنا دیتے پورے ٹیم کو تو کیسے دیتے, کوشش کر رہا ہوں. بات چیت کے درمیان مودی جی کی جب آواز نکالوں گا تو سمجھیے وہ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں, افیکٹ بھی آئے گا. مترو, میرے رام راجیہ کے سبھی بھائی بہنوں, آج میں پوری ٹیم کو شبھ کامنا دینے خود آنے والا تھا, پرنتو کام آ گیا. مترو مت رو, اگلے ورش آؤں گا جب یہ فلم سپر ڈپر ہٹ ہو جائے گی تو اس کی گولڈن جوبلی پارٹی میں دوں گا, اور اس پارٹی کا نام ہوگا بھارتیہ جنتا پارٹی. کیونکہ رام راج میں بھی چاہتا ہوں. باقی ہمیشہ آپ خود بولیے. یہ فلم انڈسٹری جو ہے اور یہاں پہ جڑے جتنے بھی بھائی بہن ہیں یہ سب ہمارے گھر جیسے ہیں, اور گھر جیسے اس لیے کیونکہ میں گرہ منتری ہوں. فلم رام راجیہ کے لیے شبھ کامنا ہے, اس پہ کوئی دھارا نہیں لگے گی, کیول ایک ہی دھارا لگے گی, دھارا دھارا شدھ دھارا. اور باقی سب تو باتیں ہوتی رہیں گی, لیکن اچھا لگ رہا ہے آپ لوگ نے اتنا پیار سے مجھے بلایا, سمان دیا اور اس فلم کے لیے شبھ کامنا دیا. کیونکہ دیکھو کوئی میں بنگ پروڈیوسر میں جانتا ہوں کہ جب کوئی فلم بنتی ہے تو کتنے سارے لوگ اس سے جڑتے ہیں, کتنے سارے لوگ محنت کرتے ہیں, اور جب فلم چلتی ہے تو ہم سب کو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو میں کوشش بھگوان سے پرارتھنا کروں گا کہ ہم سب بھی پرارتھنا کریں کہ یہ فلم سپر ہٹ ہو جائے تاکہ ان کی اور فلمیں بنیں. اس فلم میں تو میں نہیں آ سکا, لیکن اگلی فلم میں وسیم بھائی کو میرا نمبر یاد آئے. وسیم بھائی, وسیم کہاں ہے جس میں آپ کا نمبر, میرا نمبر, وسیم کہاں ہے, وسیم کہاں ہے, وسیم ہاں. اور مشتاق بھائی جو میرا ہمیشہ حوصلہ بڑھاتے ہیں, لیکن یہ واقعی ہم کانفیڈنس کے گرو ہیں, ان کو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے, اور ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے اور بہت ہی زمین سے جڑے ہیں. اتنے زمین سے جڑے ہیں مطلب یہ سمجھ لیجیے کہ ایک بار میں نے دیکھا گھر سے نکلے تھے ٹوٹے پھوٹے کون سے لت پت, ان کا کیا ہوا, تو جانتا ہے تیری بھابھی جو بھی پکچر دیکھ کے آتی ہے بالکل وہی برتاؤ میرے ساتھ کرتی ہے. میں نے کہا کون سے لت پت کیوں, کل وہ رانی مکھرجی کی مردانی دیکھ کر آئی تھی. میں نے کہا بھائی جان مجھے بتا دے تو میں بچا لیتا, آج بچا لے, آج بچا لے, آج بچا لے بیٹا. پرینکا چوپڑا کی میری کام دیکھنے گئی ہے. میں نے کہا پھر تب تو اگلے ہفتے آؤں گا. اگلے ہفتے آنا مت, اگلے ہفتے تیری بھابھی باہوبلی دیکھنے جا رہی ہے, اور بھی باہوبلی 2 دونوں کو مارے گی. تو یہ ہمارے ساتھ میں ہوتے رہتا ہے. ابھی دیکھا میں نے ایک نوجوان ہٹا کٹا, مستق بھائی ہٹا کٹا نوجوان بھیک مانگ رہا ہے, ہٹا کٹا. میں نے کہا تو ہٹا کٹا بھیک مانگ رہا ہے, تجھے بھارتی ہونے پہ شرم آنی چاہیے. بولے میں بھارتی ہوں ہی نہیں, میں پاکستانی ہوں. میں نے کہا انڈیا میں کیوں بھیک مانگ رہا ہے, اپنے دیش میں مانگ, کس سے مانگوں, وہاں سب ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں. میں کہا اپنے پردھان منتری سے مانگ, بہت بڑی بڑی بات کرتا ہے نا وہ, میں پردھان منتری ہوں. سنو غور سے دنیا والو, بری نظر نہ ہم پہ ڈالو, چاہے جتنا زور لگا لو سب سے آگے ہوں گے پاکستانی. میں کس چیز میں, بولے بھیک مانگنے میں. تو بات نہیں کرنا, تھینک یو مچ, آل دا بیسٹ, تھینک یو سو مچ. ایک بار سنیل پال جی کے لیے زوردار تالیاں, کیا سما باندھا ہے. تھینک یو, میں آڈیشن دیتے رہتا تاکہ پبلک میں بھی کوئی فلم بنا رہا ہو تو یاد رکھیے اس بار تو یہاں تو نہیں ہو سکا, رام راجیہ میں تو نہیں ہو سکا, کسی کرشن راج کا کوئی فلم بن رہی ہو, سدھاما راج, کرشن راج, کوئی بھی راج, ہاں رام راج پارٹ 2 بن رہی ہو, یا لکشمن راج بنے گی, یا بھرت راج. پچھلی بار سوناکشی سنہا گئی تھی نا کے بی سی میں, تو کے بی سی میں اس سے سوال پوچھا گیا تھا, بڑا انٹرسٹنگ میٹر ہوا تھا کہ سنجیونی بوٹی ہنومان جی کس کے لیے لائے تھے, تو وہ بتا نہیں پائی. تو میں نے کہا بیٹا تم نے کیوں نہیں بتایا, تو رامائن میں پیدا ہوئی, تیرے بنگلے کا نام رامائن ہے, تو رامائن میں پیدا ہوئی تجھے پتا نہیں. تو اس نے جو جواب دیا تو مجھے وہ دوشی کم لگی, ان کے پتا زیادہ دوشی لگی مجھے. میں نے کہا کیسے, تو کیا گڑبڑ کیا کر دی. بولے ایک تو میرے بنگلے کا نام رامائن ہے, اس میں رہتا شتروگھن ہے, بچوں کا نام لوکش ہے, ماں کا نام پونم ہے, الٹی سیدھی حرکت تو وہیں ہو رہی ہے, تو جو مجھے گیان ملا وہی ہے. تب پتہ چلا کہ بہار میں ہمارے شترو بھائی الیکشن کیوں ہارے,
क्योंकि वो कैंपेन जब भी जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, सब कर रहे थे माई मुझे वोट देना, माई मुझे वोट देना, माई मुझे वोट देना। बोले कौन है तू? तेरा शत्रु बिहार का शत्रु, देश का शत्रु। शत्रु को कौन वोट देगा? तो कभी कभी हमको समझ के काम लेना चाहता चाहिए। और आप सब लोग जिस तरह से कॉमेडी इंजॉय कर रहे हैं, नेक्स्ट फिल्म जल्दी कॉमेडी लेकर आएंगे, हम सब लोग इसमें काम करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हम सब आपके मित्र हैं सर, शत्रु नहीं है। तो बहुत बहुत प्यार आपको। एंड आई वुड लाइक टू आस्क शोभिता राणा, जिन्होंने इस फिल्म में बहुत ही अच्छा काम किया है। शोभिता, टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड नोइंग कि इन सब की जो आपके फेलो को एक्टर्स हैं, इनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। सर को तो मैं एक बार एक सीन में काम कर भी चुका हूँ, शायद बेलन वाली बहू एक शो था, तो इन्होंने जो सिखाया वो मैं आज तक यूज़ करता हूँ। जी जी। सो टेल मी वन थिंग दैट यू लर्न फ्रॉम योर सीनियर एक्टर्स इन द फिल्म। हेलो एवरीवन, एक तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द फिल्म, डेफिनेटली मैंने बहुत सीखा है, बिकॉज एक तो हमारे इतने अच्छे सीनियर एक्टर्स थे मूवी में, मुश्ताक सर और राजेश जी और काफ़ी सारे थे, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा। मेरे इतने सीन्स इनके साथ नहीं रहे, आई थिंक हमारा एक सिर्फ क्लाइमैक्स का ही एक सीन था, तो उनके साथ काम करके तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि डेफिनेटली इतनी मूवीज़ में देख चुकी हूँ उनकी, तो कॉमिक टाइमिंग तो डेफिनेटली। एंड बाकी जो पूरी स्टार कास्ट है, अमन, सलमान, एवरीबडी, तो हम लोगों ने बहुत मज़ा किया वहाँ पे बोकारो में। प्रोड्यूसर सर हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखा उन्होंने सबका। एंड शूटिंग बहुत अच्छी थी बोकारो में, मैं फर्स्ट टाइम ही गई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। एंड जो स्टोरी है राम राज्य, जैसे आपने देखा होगा, मेनली मैं गानों में ही, आपने देखा होगा कि मेरा जो कैरेक्टर है इज़ जस्ट की शी लव्स द हीरो एंड इट्स अ वन साइडेड स्टोरी, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब वो हमेशा अमन के साथ ही रहती है, जो भी वो कुछ अच्छा करना चाहता है या फिर जो भी जो दिखाया है राम राज्य होना चाहिए, तो दैट्स ऑल, मैं उन्हीं सब में हूँ। तो डेफिनेटली स्टोरी बहुत अच्छी थी, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, तो वो एक अलग चीज़ थी मेरे लिए। दैट वाज द ओनली रीज़न आई साइन द फिल्म। जब सर ने मुझे स्टोरी सुनाई थी, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग लगी थी, बिकॉज अभी तक ऐसी कोई स्टोरी मैंने नहीं सुनी थी, सो इट वाज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सो दैट वाज द ओनली रीज़न प्लेइंग दिस पार्ट। गाने बहुत अच्छे शूट किए हैं एंड सब कुछ, द एंटायर टीम बहुत क्या बात है, क्या बात है। आई वुड लाइक टू आस्क सलमान नाउ कि मस्ती क्या हुई सेट पे, व्हाट आर द फन मोमेंट्स कंसीडरिंग यू हैड अ ह्यूज कास्ट एंड मोस्ट ऑफ देम आर वेरी फनी इन लाइफ। देखो, मस्ती बताने बैठा ना भाई तो पूरी रात निकल जाने वाली है, क्योंकि इतने सारे किस्से होते हैं। हमने वहाँ पे काम किया और एकदम एक परिवार की तरह करके हम लोगों ने काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले वसीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मैं उनकी वजह से अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, थैंक यू सो मच। और हमारे सर, इन्होंने हमें कभी भी वहाँ पे फील नहीं होने दिया, क्योंकि हम एक अलग शहर में गए थे, हमें ज़रा भी फील नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे एक अलग शहर में हूँ या एक अलग टीम में हूँ, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल जिस तरह से आप अपने घर में अपने मम्मी पापा आपका ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरह से इन्होंने हम सभी लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, तो सबसे पहले इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात आती है मस्ती की, तो मस्ती के बारे में मैं कितना ही बताऊँगा बिल्कुल कम रहेगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पर दिन भर हंसते ही थे। लाइक अभी भी आप देख रहे होंगे हमारे एक्सप्रेशंस, तो हम लोग हंस ही रहे, हम लोगों ने हंसते हंसते बहुत बढ़िया सी फिल्म बना दी है, और जाहिर सी बात है आपको अच्छा लगेगा, और देखने के बाद में आपको लगेगा कि हंसते हंसते ऐसा काम भी हो सकता है। थैंक यू सलमान, आई एम श्योर हंसते हंसते लोग पिक्चर भी देखें और खुशी खुशी घर जाएं। आई वुड लाइक टू आस्क द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म कि क्या चैलेंजेस रहे इस फिल्म को बनाने में। थैंक यू सो मच, आप लोग आए हमारे काम को देखने के लिए, बहुत अच्छा लगा। और जब इतने अच्छे आर्टिस्ट अपने साथ काम कर रहे हो तो दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है, और बहुत सपोर्टिव सब कोई था, कोऑपरेटिव लोग थे, और हमारे प्रोड्यूसर सर जो भैया हैं उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा काम करने के लिए। ये हमारे उपेंद्र भैया, इन्होंने काफ़ी हेल्प किया चीज़ों में करके, तो कोई दिक्कत नहीं काम करने के लिए, इन लोगों सर के साथ में काम करने के लिए, और बहुत कोऑपरेटिव लोग थे और अच्छा लगा काम करके। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Wow.